हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा किया। वहाँ पर हमने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके कौन कौन से टाइप हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में बताया। इन सब बिंदुओं पर हम लोग जो है पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखी हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे। देखिए, जब आप पढ़ाई को स्टेप वाइज करेंगे, यानी श्रेणी दर श्रेणी करेंगे, एक एक पॉइंट को बेहतर वे में सीखेंगे, तब आप जो है कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर कर पाएंगे और उसको ध्यान में रख पाएंगे। यदि आप देखें तो वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, यदि आप नहीं देखें तो पहले हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किए। वहाँ लास्ट हम लोग यह इमेज पर बात किए थे, इमेज यानी प्रतिबिंब पर चर्चा की थी। प्रतिबिंब क्या होता है, तो आपको वहाँ पर बताया गया था कि दर्पण से जो परावर्तन के बाद हमारी प्रकाश किरणें थी, वह किसी बिंदु पर मिल रही थी अथवा मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो प्रतिबिंब के बारे में बताया गया कि मिल रही थी अथवा मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो उस आधार पर प्रतिबिंब को दो प्रकार दिया गया, यानी प्रतिबिंब जो हमारे हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम दिया गया रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे का नाम दिया गया वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। क्या कहा गया, तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग वहाँ पर अध्ययन किए थे पिछले वीडियो में, वह प्रतिबिंब था। क्या था, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इसमें दो टाइप बताए गए, पहला जो हमारा बताया गया वह वास्तविक प्रतिबिंब बताया गया, दूसरा जो बताया गया वह आभासी प्रतिबिंब बताया गया। दूसरा क्या बताया गया, आभासी प्रतिबिंब बताया गया। जो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा होता है, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। आप देखे होंगे सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर जो हम इमेज देखते हैं वह हमारी रियल इमेज होती है। प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है समतल दर्पण में, वह हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण जो हमारा इमेज बनेगा वह हमारा वास्तविक यानी कि रियल इमेज, वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी आपको कहा गया कि समतल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में भी, हमारा उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ मिरर की बात की जा रही है तो हम चर्चा करते हैं जो है मिरर पर, यह जान लेते हैं कि हमारा मिरर क्या होता है, मिरर यानी कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, दर्पण का इंग्लिश नाम होता है मिरर। दर्पण का इंग्लिश नाम क्या होता है, मिरर। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश यानी कलई कर दिया जाए, लाल ऑक्साइड का पेंट उस पर लगा दिया जाए, लेप लगा दिया जाए उसका, और दूसरा तल जो हमारा है वह परावर्तक तल बन जाए, यानी दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होने लगे, तो इस निकाय को हम कहेंगे दर्पण। तो दर्पण आपका क्लियर हो गया होगा। दर्पण यहाँ पर जो हमारा है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण आप जान लीजिए यहाँ पर दो प्रकार का होता है। दर्पण आप जान लिए, दर्पण के प्रकार, यानी दर्पण हमारा दो प्रकार का है। जो पहला प्रकार इसमें है वह हमारा समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण, जिसका इंग्लिश नाम होता है प्लेन मिरर। जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है, प्लेन मिरर। दूसरा जो हमारा है वह गोलीय दर्पण होता है। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसका इंग्लिश नाम है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। देखिए यहां पर हम लोग दर्पण जान लिए, अब हमें क्या जानना है दर्पण के प्रकार के बारे में। दर्पण के प्रकार में कहा गया एक हमारा समतल दर्पण, दूसरा हमारा गोली दर्पण। तो हमें समतल एवं गोली दर्पण के विषय में जानना पड़ेगा। तो जो समतल दर्पण हमारा होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही
अस्पष्ट हो जा रहा है। समतल यानी कि इसका जो हमारा पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, समतल होगा। तो यहां पर इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा समतल दर्पण का, ऐसा दर्पण इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, वह हमारा समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो। ठीक इसी प्रकार गोली दर्पण को भी आप समझ सकते हैं, गोली दर्पण नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, जिसका परावर्तक तल कैसा हो, गोली हो। कैसा हो, गोली हो, क्या कहलाएगा, गोली दर्पण होगा। परावर्तक तल समतल हो तो समतल दर्पण, परावर्तक तल हमारा गोली हो तो गोली दर्पण। देखिए समतल दर्पण जो हमारा है, एक हम समतल की समतल कांच की प्लेट लेते हैं, एक हम क्या लेते हैं, यहां पर हम लोग जो है एक समतल कांच की प्लेट लेते हैं जिसके एक तल पर, एक पृष्ठ पर इस समतल कांच की जो प्लेट है, जो इसका यह प्लेट है, इसके एक पृष्ठ पर हम जो है पॉलिश कर दें, यानी कि कलई कर दें, तो दूसरा तल जो हमारा है वह परावर्तक तल बन जाता है। इस प्रकार प्रकाश किरण हमारी आएगी, इस पृष्ठ से टकराकर चली जाएगी। तो क्या कहा गया यहां पर, समतल दर्पण को ऐसे डिफाइन करेंगे, इसे हम एक कांच की समतल प्लेट लेते हैं जिसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, दूसरा तल हमारा, दूसरा पृष्ठ हमारा क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो यह जो हमारा पृष्ठ है यह हमारा कलई किया गया पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, कलई किया गया पृष्ठ। और यह जो हमारा पृष्ठ है यह परावर्तक पृष्ठ है, यह हमारा परावर्तक पृष्ठ है। देखिए यह समतल दर्पण आपको क्लियर हो गया कि समतल दर्पण क्या होता है, यह जो किरण इस पर आकर टकरा रही है यह हमारी आपतित किरण होती है, आपतित किरण जो टकरा कर चली जा रही है यह हमारी जो है परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण। क्लियर बात। अब देखिए इस दर्पण जो हमारा समतल दर्पण यह बना, इस समतल दर्पण द्वारा जो हमारा वस्तुओं का प्रतिबिंब बनेगा, यानी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यानी हम प्रतिबिंब बना के पहले चेक कर लें कि हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार बन रहा है। तो इस समतल दर्पण के सामने जो है एक वस्तु हम रखें, मान लीजिए हम यहाँ पर एक वस्तु रख दिए, इसके सामने, इसके सामने एक वस्तु मान लीजिए हम यहाँ पर रख दिए ए बी रख दिए, तो यहाँ से हमारी जो प्रकाश की किरण है इस प्लेस से, इस वस्तु से चलेगी और टकरा कर वापस चली जाएगी। इस प्रकार दूसरी जो प्रकाश किरण चलेगी वह इस प्रकार सीधा जाएगी, यानी इसके पैरेलल, और मिरर से टकराकर वापस उसी पथ पर लौट जाएगी, उसी मार्ग में क्या होगी, लौट जाएगी। देखिए दो किरणें यहां पर हम लोग रख लिए, ये जो हमारी किरण जा रही है और दर्पण से टकराकर रिटर्न हो जा रही है, यह किस प्रकार हुई, थोड़ा इसके विषय में हम लोग जो है बगल में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यह मान लीजिए हमारा जो है
प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, यह हमारा समतल दर्पण है। तो आप जानते हैं आपतित किरण जो हमारी आती है टकरा कर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर जो हम लंब डालते हैं हमारा अभिलंब होता है, तो आपतित किरण के साथ या ये अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है हमारी, यह एंगल बना रही है तो परावर्तित किरण इस प्रकार चली जाएगी। इस एंगल थोड़ा सा कम करते हैं तो परावर्तित किरण भी, इसका भी एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, इक्वल होता है। इस प्रकार इसको ऐसे कम करते जाएं, एक इस तरह यानी इस पर ही, इस अभिलंब पर ही हमारी किरण आपतित किरण जो है वह अभिलंब पर ही आए, इस अभिलंब पर। तो इस दशा में एंगल कितना बना, जो हमारा आपतन कोण है वह कितना बना, कुछ भी नहीं बना। जब उसी अभिलंब पर ही हमारी आपतित किरण आ रही है तो क्या एंगल जीरो, और जो हमारा परावर्तित किरण होगी, जो किरण हमारी परावर्तित होगी उसका भी एंगल कितना होगा, इसी पर जाएगी, यानी इसी पर आपतित भी होगी और इसी पर परावर्तित भी होगी। इस दशा में एंगल आई इक्वल जब जीरो है तो आप जानते हैं दूसरे नियम से आर इक्वल भी कितना जीरो, यानी यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो जो किरण जा रही, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो प्रकाश किरण है यह सब तरफ है, ये जो हमारी स्रोत है, किरण यहाँ से निकलेगी तो क्या हर एक तरफ जाएगी, हर तरफ जाएगी। तो एक किरण जो हमारी इस तरफ गई है इसको दर्शा दिए और एक किरण इसको दर्शा दिए, तो यह जो है ये जो हमारी रे है इस अभिलंब पर, इस किरण जो हमारी है इस अभिलंब पर ही आ भी रही है और इसी पर टकरा कर वापस चली जा रही है, यह वाला यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ। अब देखिए इमेज के बारे में आपको बताया गया कि दर्पण से टकरा कर किसी बिंदु पर मिले अथवा मिलती हुई प्रतीत हो तो इमेज बनेगा। तो इमेज के बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी है, तो इसे हम पीछे बढ़ाएंगे, इधर आगे प्रोड्यूस करेंगे, इसे भी आगे प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या यह कहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं इसको बढ़ाकर, तो यह कहीं नहीं मिलेगा, आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेगा। इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं पीछे, इमेजिंग लाइन सिस्टम क्या करते हैं, पीछे प्रोड्यूस करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, इस किरण को भी हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, यानी पीछे बढ़ाएंगे काल्पनिक रेखा द्वारा, काल्पनिक किरण खींच देंगे, तो यहाँ पर जाके जहाँ पर मिलेगा वहीं हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो आप देख रहे हैं यह डॉटेड लाइन दिखाया गया, यानी काल्पनिक लाइन है, यह हमारा इमेज बन गया। वस्तु जो हमारी है वह ए बी है, वस्तु क्या है ए बी है, तो बनने वाला प्रतिम जो हमारा है वह ए डैश बी डैश है, यानी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल आभासी प्रतिम बन रहा है, जो वस्तु हमारी ए बी है उसका प्रतिम इस समतल दर्पण में आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ध्यान दीजिए जब हम समतल दर्पण के सामने वस्तु रखे हैं तो इसका बनने वाला प्रतिम जो है वह सीधा बन रहा है, इरेक्ट, समतल दर्पण में प्रतिम सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। वस्तु जिस साइज की रहेगी, वस्तु का आकार जो रहेगा उसी आकार का हमारा प्रतिबिंब भी बना है, यानी इस समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाएगी दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी, तो देखिए यहाँ पर इसकी समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बने, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, बने प्रतिबिंब के गुण, पहला इसमें लोग क्या जाने कि जो हमारा प्रतिबिंब है वह कैसा है, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है एवं सीधा है, कैसा प्रतिबिंब बनता, आभासी एवं सीधा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। दूसरी स्थिति हम क्या जान गए, दूसरा यहाँ पर हम गुण जान गए, यहाँ प्रॉपर्टी जान गए कि जो हमारा वस्तु का आकार है उसी आकार का हमारी क्या है प्रतिबिंब बन रही है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार इक्वल था किसके, वस्तु के आकार के, वस्तु के आकार के, प्रतिबिंब का आकार जिस आकार का प्रतिबिंब, ओ जिस आकार का हमारा प्रतिबिंब है उसी आकार का वस्तु है, यानी वस्तु के आकार के बराबर जो हमारा है प्रतिबिंब बनता है। वस्तु पहले रखेंगे ना, वस्तु क्या करेंगे, पहले रखेंगे, तो यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो हमारा बना वह वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, इक्वल बराबर आकार बनेगा। तीसरी पॉइंट हम क्या जाने यहाँ
कि जो हमारा दर्पण से वस्त्र की दूरी है, यानी जितनी दूरी पर हमारी वस्त्र रखी गई है, जितनी दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। क्या कहा गया? कहा गया कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, यानी दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाएगी, उसका बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए यह हमारा दर्पण है, यह हमारी वस्तु रखी गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए कितना है। यदि हम मान लें कि यह 3 मीटर है, कितना है? 3 मीटर। तो यह भी जो हमारा होगा, इस दर्पण से जो हमारा इमेज बना है, जो प्रतिबिंब बना है, उसकी भी दूरी कितनी होगी? 3 मीटर। और एक पॉइंट यहाँ से आप जान लीजिए कि जो हमारा वस्तु है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो लाइन है, इस समतल दर्पण पर लंब होती है। तीसरी पॉइंट यह थी। चौथी पॉइंट जो हमारी यहाँ पर निकल कर आई, ये जो वस्तु हमारी है और जो हमारा प्रतिबिंब बना, यह इसको मिलाने वाली जो लाइन है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, वह हमारा समतल दर्पण पर अभिलंब होती है। समतल दर्पण पर क्या होती है? यह लंब होती है। क्लियर है बात? आप यहाँ पर क्या क्या जान लिए देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण में हम लोग जान गए कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा, वह हमारा कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी दूरी हमारी दर्पण के सामने वस्तु रखी जाएगी, प्रतिबिंब जो हमारा है वह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। और तीसरी पॉइंट हम जान गए कि यह जो हमारा वस्तु है, जो हमारी वस्तु है, वह उसको मिलाने वाली जो रेखा, वस्तु एवं प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो लाइन है, वह इस समतल दर्पण पर क्या होती है? अभिलंब होती है। एक पॉइंट और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो हमारी फोकस दूरी होती है प्लेन मिरर की, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसकी फोकस दूरी अनंत यानी कि इनफाइनाइट। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। यदि किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, यदि किसी व्यक्ति को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए उसे अपनी हाइट का, अपनी लंबाई का, लंबाई की जो है आधे लंबाई का दर्पण प्रयोग में लाना पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट h है, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की हाइट क्या है, h है, तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जो दर्पण यूज करना पड़ेगा वह h का 2 कर देंगे। कहने का मतलब है अपनी लंबाई का आधा लंबाई, जो भी है उसकी लंबाई है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की लंबाई जो है वह 6 मीटर है, कितने मीटर है? 6 मीटर। तो इस व्यक्ति को दर्पण में, समतल दर्पण में जो है पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है, पूरा इमेज देखना है, तो इसके लिए जो हमें दर्पण यूज करना पड़ेगा वह कितने का? 6/2 यानी कि 3 मीटर का, यानी अपनी लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण हमें यूज करना पड़ेगा। जब हम आधे लंबाई का दर्पण यूज करेंगे तो हमें प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इन टॉपिकों के बारे में, ये जो हमारा प्लेन मिरर है, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिए। एक पॉइंट यहाँ पर और जान लेते हैं, गुड़ इसका और जान लेते हैं। पार्श्व उत्क्रमण यह क्या होता है? इसका इंग्लिश नाम जो हमारा होता है वह लेटरल इन्वर्जन। बहुत सिंपल सी बात है। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? उत्क्रमण यानी उत्क्रम, यानी रिवर्स, यानी क्या? रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा, लेफ्ट का राइट में जाना, राइट का लेफ्ट में जाना। जब आप समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो आप दाहिना हाथ अपना देखते हैं तो दर्पण में बाईं तरफ दिखाई देता है,
यानी रिवर्स हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल जो हमारा है वह एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का वाहन आप देखें उसमें जो है एम्बुलेंस जो लिखा होता है वर्ड वह क्या होता है, उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब हम उसे दर्पण में देखेंगे यानी नेक्स्ट जो उसके सामने वाला वाहन वाला व्यक्ति है वो अपने दर्पण देखेगा वाहन में, तो वाहन के दर्पण में उसे जो है वह सीधा दिखाई देगा। वह क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर एक दर्पण है, समतल दर्पण हमारा यह है, एम्बुलेंस उल्टा लिख रहे हैं इसको, उत्क्रम के रूप में सी हो गया यार रिवर्स फॉर्म में, यह हमारा ई हो गया। यह देखो यह हमारा एम्बुलेंस लिखा गया है, एम्बुलेंस गाड़ी पे इसी प्रकार लिखा होता है उल्टे फॉर्म में। यह हमारा क्या है, लेफ्ट है, और यह हमारा राइट है। ये जो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस है यह जब दर्पण में हम देखेंगे, इस दर्पण जब हम इसे देखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा, यानी इस प्रकार में दिखाई देगा। जो लेफ्ट में है वह राइट में चला गया, जो राइट में है वह लेफ्ट में आ गया, यानी यह हमारा लेफ्ट हो गया और यह हमारा राइट हो गया। तो पार्श्व उत्क्रमण का यही मतलब है कि जो हमारा दर्पण में इमेज बने, समतल दर्पण जो हमारा इमेज बने वह लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो एम्बुलेंस पर हमारा जो है रिवर्स लिखा होता है वह जब हम उसे हम दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण देखते हैं, तो हमें सीधा दिखाई देता है, यानी इस प्रकार। अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जिनका पार्श्व उत्क्रमण होता है लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं होता है। कौन कौन से वो अक्षर हैं, एग्जाम्पल की दृष्टि से आप नोट कर सकते हैं। जैसे हमारा है ए डब्ल्यू वी, भी हो गया, एच है हमारा ओ एम टी, यू हो गया, आई हो गया, एक्स एंड वाई हो गया। ये सब जो लेटर हमारे हैं इनका पार्श्व उत्क्रमण होता है लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता है। कैसे, जैसे ये हमारा है, चेक करते हैं इसको, इसमें चेक कर सकते हैं आप, ए है यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या हमारा ए है, यानी इसको हम रिवर्स करें, दर्पण में देखें इसका जो उसी प्रकार बनेगा, यानी ए। जैसे हमारा क्या है, यम है, यहाँ भी यम है, रिवर्स हुआ है लेकिन इसका अनुभव हमें जो है नहीं हो पाता है, यहाँ भी यम उसी प्रकार है। और कोई अक्षर, जैसे हमारा यहाँ पर यू दिया है, यू दिया ना यहाँ पर, तो यू है, तो यू भी यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स हुआ लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं होता है। तो यह तो हम लोग जान गए प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ बातें, यानी समतल दर्पण संबंधित कुछ बातों के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लिए। तो इस पूरे पॉइंट को पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट जो है गोली दर्पण स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, एक बार हम इसे पुनः देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या क्लियर किया। देखिए, हम लोग यहाँ पर दर्पण जान लिए, टाइप है, टाइप में हम लोग क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण पर चर्चा कर लिए। समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बना, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब के गुण के बारे में जान लिए। जैसे हम जाने आभासी एवं सीधा बनता है, प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार क्या होता है, बराबर होता है, यह बताया गया। जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी गई है उतनी दूरी पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, यानी दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हमारी वस्तु रखी गई है प्रतिबिंब जो है उतनी दूरी पर उसके पीछे बन रहा है, इस पर चर्चा हो गई। चौथे नंबर पर हम लोग जान लिए कि इसका जो वस्तु है, जो हमारी वस्तु है और जो प्रतिबिंब है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वह क्या होती है, वह हमारा समतल दर्पण पर अभिलंब होती है। और कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग जान लिए कि इसकी फोकस दूरी जो है अनंत है, पार्श्व उत्क्रमण के बारे में जान लिए। तो इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग सीख लिए। हमारा क्या बच रहा है इसमें, इसमें जो हमारा पॉइंट है वह गोली दर्पण है। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोली दर्पण पर।
गोली दर्पण होता क्या है? तो पहले ही थोड़ा सा नाम से अस्पष्ट है कि गोली दर्पण हमारा क्या होता है। आपको बताया गया कि इसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वह कैसा होगा, वह हमारा गोली होगा। तो पॉइंट क्या है? गोली दर्पण, गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिए, गोली दर्पण जो हमारा होता है यह एक खोखली गोली का, एक खोखली गोली का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण एक खोखली गोली का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई, जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है, तथा दूसरा पृष्ठ जो हमारा होता है वह परावर्तक पृष्ठ रहता है। क्या कहा गया? गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, यह हमारा एक खोखला गोला है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं यानी कि पॉलिश कर देते हैं। दूसरा पृष्ठ जो हमारा है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। यह हमने पॉलिश कर दिया, यह हमारा कांच का कटा हुआ भाग है। यह एक कांच की खोखली गोली कटा हुआ क्या है? भाग है। इस भाग को काट दिया जाए तो यह हमारा क्या बन जाएगा? यह हमारा गोली दर्पण बन जाएगा। तो गोली दर्पण के दो भाग हैं यहाँ पर। समतल दर्पण हमने पढ़ा, समतल दर्पण के कोई भाग नहीं है और गोली दर्पण के यहाँ पर दो भाग हैं। इसको जो हम कट करेंगे तो यह हमारा दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। पहला जो हमारा होता है यानी इसके दो रूप हैं, नोट कर लेते हैं यहाँ पर। पहला जो हमारा है वह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसका इंग्लिश नाम होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरा जो हमारा है वह उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण, जिसका इंग्लिश नाम है कॉनवेक्स, कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर। ठीक है, सिंपल वे में बिल्कुल इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। गोली दर्पण जान गए, अब यहाँ से अवतल और उत्तल जानना है। तो अवतल को हम कहेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, वहीं से एक पार्ट हमारा यह उभरा हुआ तल हो जाएगा, दूसरे पार्ट को निकाल के इसके दबे हुए तल पॉलिश कर देंगे। यानी ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या की जाए? कलई की जाए। ध्यान देंगे, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर कलई कर दी जाए तथा दबे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन हो। ये हमारा दबा हुआ सतह है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। यह जो हमारा है कलई किया गया पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? कलई किया गया पृष्ठ। यह जो दबा हुआ पृष्ठ है यह हमारा परावर्तक पृष्ठ है, यह हमारा परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण हो गया। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक, इसी का रिवर्स करते हैं। यहाँ दूसरा पार्ट जो है इसके उभरे हुए पृष्ठ पर हम लोग कलई किए हैं और इस दूसरा जो हमारा है उत्तल, उसके दबे हुए सतह पर। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए सतह पर कलई की जाए तथा उभरे हुए सतह से प्रकाश का क्या हो? उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहा गया? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश की जाए, उभरे हुए सतह पर कलई की जाए, तो यह हमारा निचले दबे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण, तथा जिसके ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए सतह पर पॉलिश की जाए तथा उभरे हुए सतह से क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल वे में बताया गया। कहा गया गोली दर्पण क्या है? तो गोली दर्पण जो हमारा है यह एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर हम जो है पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो इसमें जो है बताया गया है कि गोली दर्पण के दो भाग हैं। पहला कहा गया कि अवतल दर्पण, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण।
सिंपल वे में आप डिफाइन कर लिए कि अवतल दर्पण जो हमारा है ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश की जाए तथा दबे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसके दबे हुए सतह पर पॉलिश एवं उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। दोनों क्लियर हो गया। अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम भी होता है कन्वर्जिंग लेंस, यानी अभिसारी लेंस कह रहे हैं, अभिसारी दर्पण, इसे हम जो है अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। अभिसारी दर्पण इसे हम क्यों कहते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, यह जो हमारा होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि अपसारी अपसारी दर्पण होता है, क्योंकि जो प्रकाश हमारा ये जो दर्पण हमारा है इस प्रकार बना है, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या है पॉलिश की गई है, यह हो गया, यह हमारा पोल होता है। दर्पण से रिलेटेड परिभाषाओं के बारे में आगे हम बात करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे पोल है, ये जो दर्पण है हमारा इसके मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं यानी कि ध्रुव कहते हैं। यह जो प्रकाश की किरण इसके पैरेलल जाती है यह इस प्रकार परावर्तित होकर रिटर्न हो जाती है, नीचे से भी जा सकती है, इधर से भी ले जा सकते हैं ऐसे, यानी इसको भी थोड़ा सा ही बनाया जाए। तो यह हमारा हो गया, और भी लाइन इसमें ड्रा कर सकते हैं, और भी रे दर्शा सकते हैं, नीचे से भी दर्शा सकते हैं, और भी इस प्रकार। तो आपतित किरण यह सब हमारी है, और यह जो हमारी टकरा के वापस चली जा रही है ये हमारी देख रहे हैं एक ही बिंदु पर क्या फोकस हो रहा है, फोकस यानी एकत्रित हो रहा है। तो अभिसारी का तात्पर्य आपको पीछे बताया गया था कि एक ही स्थान पर क्या होता है मिलता है यानी एकत्रित होता है, जमा होने लगता है, तो यह हमारा अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी मोही बात, अभिसारी हम दर्शा देंगे कि यह जो हमारा है दर्पण, यहाँ देख लीजिए इसके दबे हुए सतह पर क्या किया गया, पॉलिश किया गया है, यह पॉलिश किया गया सतह है, और यहाँ से परावर्तन होता है इस सतह से, तो यह हमारा प्रकाश की किरण चलेगी और इसे टकरा कर फैल जाएगी। अभिसारी इस दशा में क्या कहेंगे हम इसे, अपसारी दर्पण कहेंगे। तो ये हम लोग जान लिए कि हम इसे अपसारी क्यों कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी अभिसारी क्यों कहते हैं। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें किरणें क्या हो रही, बिखर जा रही, फैल रही हैं, और इसमें जो किरणें एक स्थान पर एकत्रित हो रही हैं, तो इस दर्पण को यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया। तो आज हम लोग जो है दर्पण से रिलेटेड बात जो है समझ लिए, इन टॉपिकों को क्लियर कर लिए, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।